बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ तनवीर अहमद, उनके साथ शादाब कबीर और एक और चेहरा आपको नजर आ रहा है बहुत ही मशहूर, विक्रांत गुप्ता, सीजन जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। और बड़े अरसे बाद क्रिकेट हो रही है, टेस्ट मैच कैसा लग रहा है? शानदार, मजा आ रहा है जी। अभी तो मैं देखिए, क्योंकि शादाब भाई क्रिकेट है ही नहीं है तो हम लोग तो गली मोहल्ले के क्रिकेट भी कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने तो डिसअपॉइंट किया था पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद। मुझे मैं ये नहीं कि अब आपकी टीम, पता नहीं आज टेस्ट मैच में क्या होगा, सेकंड इनिंग तो बड़ा ही कोलैप्स हो गया, लेकिन आपकी टीम ना शेर की तरह खेली है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी टीम ने टॉस जीत के बैटिंग की, जो कि आई थिंक ब्रेव डिसीजन नहीं मैं कहूंगा, सेंसिबल डिसीजन है। वेस्ट इंडीज ने भी तो सीमिंग कंडीशंस देख के दो मैचों में बॉल डाल लिया। टेस्ट मैच में आप कहां पहले बॉल डालते हो? नहीं, हम 2 स्पिनर से खेल रहे थे, इस तरह से बड़ा एडवांटेज था। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो आपने 5 बॉलर खिलाए, चलो ठीक है शादाब को अगर मैं आधा भी गिन लूं तो 5 बॉलर खिलाए आपने। आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग भी की है, आपने 326 रन भी बनाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 326 बहुत पहाड़ होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क में, इंडिया भी अगर इंग्लैंड जाता है पहली इनिंग में, अगर वो 350 रन बनाए और इंडिया के पास अच्छा बॉलिंग अटैक हो तो आप मैच में बने रहते हैं। आपके पास जो बॉलिंग अटैक है, जो मैंने परसों मतलब आपने बॉल डाला है, जो इन्होंने पहला ओवर था शाहीन शाह अफरीदी का और रोरी बर्न्स को, मेरे ख्याल से पता नहीं चल रहा था बॉल अंदर आएगा या बाहर होगा। ये आमतौर पर होता नहीं है, वो केला ऐसे बना रहे थे, मतलब वो अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है, हवा में कुछ नहीं समझ आ रही थी मेरे हिसाब से। और दोनों आपके ओपनर जो है सिबली और रोरी बर्न्स, मैं तो अरसे से कह रहा हूँ कि आज भी अगर वसीम अकरम भी बॉल उठा ले वो 6 बॉल ना खेलने दे। और आपके पास तो इतना जो टैलेंट है फास्ट बॉलिंग का, वो 6 बॉल के दोनों ओपनर्स हैं। बेन स्टोक्स को जिस तरह से अब्बास ने आउट किया, अब बेन स्टोक्स क्या करते हैं जी, क्रीज से आगे खड़ा हो जाते हैं कि चलो मैं स्विंग को काउंटर कर। बट ये इसी सीजन में दूसरी बार ऐसे आउट हुए हैं। अब्बास का तो खैर ये हो सकता है ये बॉल ऑफ द सीजन हो, ये इतना बॉल हिला सिर्फ इतना, लेकिन इसी तरह आई थिंक होल्डर ने या किसी ने ऐसे ही उनको एक मैच में बोल्ड किया था, या जोसेफ का बॉल अंदर आ गया था। ये तो इतना सा तो अगर आपने, अब जैसे कोलैप्स हो भी गया, आपके पास फिर भी अभी 250 रन है। अगर 20-25 रन और हो गए, 250 के ऊपर आप 10 रन, 20 रन, 15 रन, टेस्ट मैच तो आपकी टीम को जीतना चाहिए। कंसिडरिंग अगेन कि आपने यासिर शाह ने पहली इनिंग में भी विकेटें ली हैं और दूसरी इनिंग में भी विकेटें ली हैं। लेकिन ये है विक्रांत भाई कि अगर नए बॉल से पाकिस्तान से अगर आउट नहीं हुए नए बॉल से, तो फिर प्रेशर है यासिर शाह के ऊपर। और तनवीर भाई ये रोरी बर्न्स और सिबली आउट नहीं होंगे यार, इसका हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से इन्होंने खेलना शुरू किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है, और जिस तरह आपने वसीम भाई की बात की है, ये वकार भाई होते हैं ना बर्न्स के आगे, वकार भाई का लेफ्ट हैंडेड को जिस तरह नया बॉल अंदर आता तो इतनी बड़ी उसकी कैंची बनती है, उसने तो वैसे ही फारिग हो जाना था। खैर अब्बास ने और उसने भी आउट कर दिए, तो हम तो बड़ा रिलैक्स है कि ओपनर जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ये कोई 3-4 ओवर में इंशाल्लाह दोनों फारिग हो जाएंगे। अगर मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए 240 देखिए उनमें एबिलिटी, ये उन दोनों में एबिलिटी ये है, हम आउट होने की बात तो करें लेकिन दोनों में एबिलिटी ये जरूर है कि हमने अगर जगह पे बॉल नहीं की या उनको ज्यादा खिलाया नहीं, उन्होंने बॉल किल करना शुरू कर दिया, लेफ्ट ज्यादा किया है। तो ओपनर ना, ओपनर्स को नया बॉल तो किल करना आता है, चाहे जितनी बुरी टेक्निक भी है, सारी जिंदगी ओपनिंग की, तो वो अगर सरवाइव करते हैं तो फिर पाकिस्तान को जरा एफर्ट करनी पड़ेगी और एक चैनल पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। फिर यासिर शाह और शादाब जो है ना, फिर उनके ऊपर मैच आता है। हां नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं सही है, बट आई एम श्योर जो आपकी मैनेजमेंट वहां पर गई हुई है, और ऐसा नहीं है कि आपने अब इंग्लैंड में अच्छा किया है। मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में अच्छा करता है, स्पेशली आपके बॉलर्स। आई थिंक ड्यूक्स का बॉल आपके बॉलर्स को रास भी आता है। आई एम श्योर प्लानिंग कुछ ना कुछ तो होगी। आपने ठीक है, वो तो दोनों जल्दी आउट हो गए, उनके पास शॉटें हैं भी क्या है, उनके पास कट है और पुल है उन दोनों के पास, जो उनका स्टांस भी है। अब रोरी बर्न्स का बैट जो है फाइन लेग से आता है। अब मुझे बताइए कि हमें कहते थे यार गली से नहीं आना चाहिए, सेकंड स्लिप से आना चाहिए, ये बंदा अपना बैट लेके आ रहा है वहां से फाइन लेग से। तो ये सब चीजें हैं। उसका बल्ला ऐसे आता है, जैसे मुझे ऐसा उसका बल्ला ऐसे आता है, मैं मजाक में कह रहा हूँ, उसका बल्ला ऐसे आता है अगर उसका दिल करे थर्ड स्लिप वाले को, सेकंड स्लिप वाले को पकड़ा दे, ये ले तू रख ले, मैं बगैर उसके खेल लूंगा। ऐसे कभी ऐसा बल्ला देखा नहीं आपने। विक्रम भाई बड़ी मिसाल है, चंदर पॉल है, स्मिथ है, ठीक है, हमारे इवन फवाद आलम बहुत रन करता है डोमेस्टिक के अंदर। ये सब वो प्लेयर है जो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है लेकिन बड़े गट्सी है। इस विकेट के ऊपर आपको पता है जितने टेक्निकली साउंड हो, अगर बॉलर की लाइन और लेंथ बन गई तो बड़ा मुश्किल करते हैं। और अगर बैट्समैन फोकस है, जिस तरह शान मसूद की आपने इनिंग देखी होगी, हर प्लेयर को एक रोल दिया गया या उसको समझाया गया होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट किया और जितना आपको लगा देखें, एक जिस तरह ओपनर खेलते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि वो कवर ड्राइव मारी ही नहीं, एक बड़ी इनिंग प्लान की है। तो ये इंग्लैंड प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि अगर वो विकेट पे खड़े हो गए तो उनको भी अपनी लिमिटेशंस पता है, तो आसान तो नहीं होगा। अभी मैच मेरे हिसाब से 50-50 है। अगर शुरू में विकेट लेता है पाकिस्तान, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम डाल सकते हैं। बेन स्टोक्स हमेशा की तरह एक फैक्टर रहेंगे, जैसे वो होता है ना, बड़े प्लेयर होते हैं, वो करें तो भी फैक्टर, ना करें तो भी फैक्टर। और बड़े प्लेयर का एक टेस्ट मैच में दो फेलियर भी बड़े मतलब होते नहीं आमतौर पे। तो जिस तरह वो पहली इनिंग में आउट हुए हैं, ऑब्वियसली आप सेकंड इनिंग में उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह से नहीं, उनको स्टार्ट मिल गया। जो रूट लेकिन उनकी कमजोरी हो गई है शादाब भाई। आप देखिए ना, उनके जो बैट्समैन हैं, मुझे उनके 5 में से ओली पॉप और बेन स्टोक्स, ये 2 अपील करते हैं। ओली पॉप भी अच्छे हैं, वो जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर होते हैं, आप ध्यान से देखें, वो उसी तरह खेलते हैं, इयन बेल की तरह रन निकालता है। बट जो रूट का तो अब क्या है, मैं पहले इस बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन अब लगता है कि जो रूट की जो अब रन नहीं बन रहे थे, पहले क्या था, 100 नहीं बनते थे। 2-3 साल क्रिटिसिज्म हुआ, यार 100 नहीं बनता, 70, 80, 85, 90। अब मुझे लग रहा है कि उनसे रन भी नहीं बन रहे। और शादा भाई, एक तो होता है कि आपके रन नहीं बनते, आप गए, आप आउट हो गए, आपका बैट पैच चल रहा है, आप आउट हो गए। ये तो 50-50 बॉलें खेल रहे हैं और 50 बॉल में 25 बार आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी बैटिंग अब उनकी कप्तानी में भी दिख रही है। आप याद कीजिए, जिस दिन आप 189 for 5 थे लंच पे, लंच के बाद 5 ओवर बाद नया बॉल था, 5 ओवर 26-27 रन किए पाकिस्तान ने और खुल गया। अरे नया बॉल आपने जोफ्रा आर्चर को नहीं कराया, आप अभी भी एंडरसन ब्रॉड इज ऑफ कलर, वो एज उनकी दिख रही है। आपने जोफ्रा आर्चर को जब बॉल पकड़ाया, जोफ्रा आर्चर ने आके 2 आउट किए, फिर आपने स्पिनर से बॉल करा दिया, उसे 3 छिक्के मार दिए शान मसूद। तो ये 15-15, 25 रन को रोकने, तो फिर 25 रन, 30 रन वो आपको चुप गए। विक्रांत भाई, आपने एंडरसन का एवरेज है 41.16, सही है ना? सॉरी, बिल्कुल। अभी शादाब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो बात अभी विक्रांत भाई कह रहे हैं ना, कि जो 5 ओवर इन्होंने फास्ट बॉलर को कराए, स्पिनर से कराए, जिस टाइम शादाब ने वो रन निकाले, बड़े इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है यही मैच का वो बनेगा। वो जो लंच के बाद का सेशन था, गालिबन 4.11 नए बॉल से पहले 5 ओवर जब शादाब ने आके खेले हैं, इसमें रन बनाए, 25-26 रन बने, वो 25-26 रन इस टेस्ट मैच में बड़े कीमती नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल। विक्रांत भाई आपने जो बात की ना, इसकी बेन स्टोक की, कि बेन स्टोक अगर पाकिस्तान 250 रन पे ऑल आउट होता है, तो वैसे अगर हम देखें तो 250 रन चेस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो फिलहाल सिचुएशन है, पाकिस्तान जो बॉलिंग कर रहा है उस हिसाब से, या इंग्लैंड की जो बैटिंग है उस हिसाब से, 250 रन बहुत है। इस 250 रन के अंदर अगर एक प्लेयर भी अच्छी इनिंग खेल जाए तो 250 रन चेज हो जाएंगे। तो वो बेन स्टोक ऐसा प्लेयर है कि वो बड़ी इनिंग खेल सकता है। जो रूट की जो आपने बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जो रूट की जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज टीम मैनेजमेंट के माइंड में भी होनी चाहिए, होगी भी, क्योंकि 250 रन की इनिंग खेली हुई है मैनचेस्टर के अंदर उसने, 250 रन की इनिंग। तो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड में एक चीज होती है, यार इस ग्राउंड में मैंने 5 आउट किए हैं, इस ग्राउंड में मैंने 250 रन किए हैं, इस ग्राउंड में मैंने इतने रन किए हैं। कहीं ना कहीं सबके माइंड में होगा कि ये बड़ी इनिंग है, स्टेक कर सकता है। वो तो देखिए, बड़े प्लेयर को एक इनिंग ही चाहिए होती है, मतलब दोनों मैच की सिचुएशन ऐसी है कि दोनों तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। विक्रांत भाई, चलते आता है कि कौन मेंटली कहाँ पर। विक्रांत भाई, आपका फाइनल कॉमेंट मैं चाहूंगा, चलते चलते क्या देख रहे हैं आज का दिन, एंड हु इज द प्लेयर टू वॉच आपके ख्याल में फ्रॉम पाकिस्तान, जो पर डालेगा? आपके 5 बॉलर हैं, आपके 5 ही बॉलर हैं। अब ऊपर से अफरीदी आउट करता है, या अब्बास आउट करता है, या नसीम करता है, या फिर यासिर मुझे लगता है कि आपके नसीम कैसा, नसीम एंड शाहीन, आपको झलक नजर आती है कि आगे जाके? शाहीन थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया है, शाहीन अफरीदी को जो मैंने देखा वो थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया है। नसीम शाह अभी एस्टेब्लिश होगा, अभी वो यंग है, आई डोंट नो उनकी रियल एज क्या है, लेकिन फास्ट बॉलर तो तनवीर भाई यहाँ पे है ही है। 17 साल के लगते तो 17 साल कुछ महीने, 17 साल कुछ महीने, वो महीने नहीं बताऊंगा आपको, तो नहीं, बट फिर भी तनवीर भाई तो खुद फास्ट बॉलर हैं, आपके कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो उसका जो शरीर बनता है, आपके मसल्स जो हैं वो 21, 22, 23 साल की उम्र में जाके बनते हैं, तो अगर वो आज इस रफ्तार से बॉल डाल रहे हैं तो कल, परसों, चौथ, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल वो इम्प्रूव ही होंगे इन टर्म्स ऑफ उनकी बॉडी। दी ओनली थिंग इज की विकेट लेने का तरीका। वो फास्ट बॉलर को कहते हैं जी दो तरह के बॉलर होते हैं, एक जो बॉल डालता है, एक जिसको विकेट लेनी आती है, और दूसरा फिट रहना। ये दो चीजें कर लेंगे, हो सकता है 5 साल बाद दुनिया में उनका नाम इतना चल रहा हो। अब वही दूसरी तरफ मोहम्मद अब्बास को देखो ना, स्पीड नहीं है, 125, जब टीवी पे आप देखो 125 बंदा कहता है यार क्या हो रहा है ना, बॉल इतनी अंदर आती है ना बाहर आती है, अगर आप वैसे देखो, लेकिन जितनी चाहिए इतनी ही अंदर इतनी ही बाहर एक टप्पे पे। तो ऐसी थोड़ी लोगों ने, तब डेल स्टेन ने कह दिया था जब इन्होंने खेलना शुरू किया कि यार ये आया है जंगल का नया शेर। तो स्पीड है नहीं, मूवमेंट इतनी, एक तो होता है ना जब हम देखते हैं क्लासिकल, क्या देखते हैं जी, इमरान खान ने इनस्विंग डाली, बॉल ऐसे केला आया और विश्वनाथ ने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गए, या जी एक कपिल पाजी आए उन्होंने ऐसे आउट स्विंग कराई, वो ऐसे निकल गई। मोहम्मद अब्बास तो आपको देखने में पता ही नहीं चलेगा कि भाई है क्या ये चीज, ऐसे लग रहा है आगे बॉल डाल दी इतनी अंदर इतनी बार। बट आप बैट्समैन को पूछोगे कि यार वो आगे या पीछे में फंस रहा है, वो जहनी तौर पे, या वो छोड़ू या खेलू में फंस रहा है, तो वही तो चाहिए आपको विकेट लेने के लिए। बिल्कुल, चले फाइनल कमेंट शादाब कबीर साहब। मुझे ऐसा लगता है कि बटलर और ओप्स जो, ये थोड़ा सा मुझे फैक्टर ऐसा लग रहा है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बटलर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है जो उन्होंने विकेट कीपिंग की है, उस हिसाब से उन पर ड्यू बनता है, और वो एक फैक्टर ऐसा है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं वो लोग, और अगर अर्ली विकेट नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है हम शादाब को, और एक बात बताना चाह रहा हूँ, शादाब इस मैच के अंदर आधे नहीं पूरे नजर आए, उन्हें रन भी बड़े वाइटल किए और 2 विकेट भी लिए, तो उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये साबित हुआ, आधा बॉलर और आधा बैट्समैन। हाँ, मैं शादाब ये है, शादाब का ये है विक्रांत भाई, मैं चलते चलते बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग में टॉप ऑर्डर में बैटिंग की है उन्होंने रेगुलर, और उनके कोच, हेड कोच भी मिसबाउल हक थे, तो वहीं से नजर आ रहा था कि इनको एज बैट्समैन ये मूव कर रहे हैं। आपकी टीम तैयारी के साथ गई है, आपकी टीम वहां पे पूरी तैयारी के साथ गई है, और कभी कभी क्या होता है आप तैयारी करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी की है और मैंने राइट डिसीजंस ले लिए, हो सकता है सामने वाला और बेहतर हो। मुझे लेकिन लगा ये है कि इंग्लैंड ना पाकिस्तान के सामने आया, इंग्लैंड का गेम का लेवल नीचे रह गया क्योंकि पाकिस्तान उनको 4 लेवल ऊपर मिला, वो वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे। अब कल ठीक है इंग्लैंड ने वापसी की है, दी ओनली थिंग इज जैसे 250 रन चौथी इनिंग में टेस्ट मैच जीतने में, ठीक है, मतलब बॉलिंग टीम कहेगी 250 रन है, बट वो दो बातें हैं, एक ये कि अगर 250 हो तो आप कितनी अटैकिंग फील्ड रखते हो, आप 4 स्लिपों से तो नहीं सारा मैच खेलोगे। पता चला जैसे जो तनवीर भाई कह रहे एक छोटी सी पार्टनरशिप आ गई तो आप एक थर्ड मैन भी लगा लोगे, आपको रन मिल रहे होंगे, आप कहोगे यार इधर 3 कवर ड्राइव मार के चौके मार दिए, मैं एक कवर पॉइंट भी लगा दूं। वो रन यही करते हैं, और 250 और 280 का जो 30 रन का फासला है वो यही है कि कप्तान को श्योरिटी रहती है कि नहीं नहीं यार इसने 2 चौके मारे कोई बात नहीं, मैं फील्ड ऊपर ही रखूंगा। स्पेशली जब यासिर बॉल करेंगे, अब यासिर शाह अगर बॉल कर रहे होंगे तो क्या आप स्लिप पॉइंट शॉर्ट लेग अफोर्ड कर पाएंगे। अब कल मैंने देखा, अब आई डोंट नो मुझे इंग्लैंड का समझ ही नहीं आया, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर टॉम बेस्ट ने बॉल किया था, यासिर शाह बैटिंग कर रहे थे, और मैं घर पे बैठ के देख रहा था अपने बेटे के साथ, छोटा है वो, तो मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आया 8 आउट आपने कर लिए, शायद नहीं 7 हुए थे तब, तो मैंने कहा यार एक स्लिप है और एक गली भी रख लो, एक शॉट ले, एक स्लिप पॉइंट भी नहीं था। पहला बॉल आप देखें, और अराउंड द विकेट वो बॉल डाल रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आता, पहला बॉल उसने डाला है वो बेन स्टोक्स के आगे गिर गया, अगर सेकंड स्लिप या गली होती शायद वो कैच हो जाता। फिर एक बॉल था वो यासिर शाह ने ऐसे किया, बैलून किया, यहाँ गिर गया। यार आप प्रेशर क्या होता है, आप स्लिप पॉइंट पे कैच हो ना हो, हेलमेट की जाली से तो फिल्टर, तो वो चीज भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि इंग्लैंड का थॉट प्रोसेस क्या है, बट मोमेंटम इंग्लैंड के साथ है। ये पाकिस्तान को जो अगर वरी होगी तो ये कि अगर आते ही उन्होंने 2 आउट कर दिए तो वो मोमेंटम लेकर जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, और पाकिस्तान ये सारी रात सोच रहा होगा यार हमने क्या कर दिया सेकंड इनिंग में। लेकिन अगर वो आप आधा पौना घंटा बैटिंग कर जाएंगे तो इंग्लैंड फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान को कहते हैं ना वो जो आहिस्ता आहिस्ता नर्व्स वो आपकी ज्यादा बेहतर सेटल हो जाएंगे। चले ठीक है, वेरी वेल समड अप बाय विक्रांत गुप्ता, तनवीर अहमद एंड शादाब कबीर। पाकिस्तान का इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, 244 की पाकिस्तान की लीड है। देखते हैं कि किस तरह का ये चौथा दिन जाता है। बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि शायद मैच आज ही खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वी विल सी यू अगेन, गुड बाय।